मेरे दोस्तों नौ साल उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल फतन और वो अता और वो और वो फरमाया फरमाया और और फिक्र समझदारी अता जब लोग मक्का में इस्लाम की, तलाश में, की, दीन की बात सुनने के लिए जब आया करते थे थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउन फॉर गेट लाइक्राइब मोलाना मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला को इस्लाम के लिए कबूल फरमा लिया इनकी दिल को पलट दी है इस्लाम की हजरत अल्लाह तआला के दिलों के अंदर आने लगे मेरे दोस्तों नौ साल उम्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गो फतन और वो जहनत अता फ़रमाया और वो फिक्र और गो समझदारी अता फरमाया जब लोग मक्का में इस्लाम की जस्तुजु में इस्लाम की तलाश में रसूल मकबुल सल्ला

बड़ी अच्छे अच्छे बातें करते हैं दिन के मुतिक तो आप जाके मालूम करो हज़रा अबारीरतील् तैनी बया के देखा कि हकीकत में मैंने देखा हो कि वो ना तो शायर है ना अपने से बातें करते हैं बल्कि अल्लाह रबुल्ज़त जो फरमाते वसमानी बातें करते हैं बड़े अजीब अजीब सी बातें करते हैं उनकी बातें सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं हकीकत है वाकई कि अल्लाह वह शरीर इसी की दवा देते हैं लोगों को तो हजरत अबू गफारी तआला ने अपने भाई की बात को सुनकर उसी वक्त में सामान को लेकर एक पानी की मशकजा लेकर में आकर हाजिर हो जाती हैं और तीन दिन तक जब शाम होते फिर बिस्तर बिछा कर लेट जाते थे अली तआला रजियाल्ला भी उनको देखते रहे कि बात क्या है कि भाई ये दो दिन कल भी देखा परसों भी देखा तीन दिन से इनको देख रहा हूं कि जब शाम होते तो ये बातुल्ला के अंदर लेट जाते थे तो बात क्या है कि भाई आप किसकी तलाश में हो किस जुस्तजु में हो जब हजरत अली हो किस चो आपका क्या मकसद है लगा हमने सुना अल्लाह पाक परवा दलम ने अपने रसूल को भेजे हैं और उनको नबूत फरमाया है वो बहुत आसमानी बातें करती है बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं फरमाती है ये सारे बुद्ध जितने के जितने

सैद उलमसलीन है वो रहमतमीन है अल्लाह रबालतों ने नबूत फरमाया अपने रसूल बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजे हैं बाद बिल्कुल हकीकत है कुरैशियों में से एक बच्चा है जिसको अल्लाह ने नबूत फ़रमाया जिसको अल्लाह रबुल्जत ने दीन की दाई बनाकर भेजे हैं वो महम्मदरसोल्ला सल्लाम है अब उजर्ग फारी कहने लगा कि आप हमें उनसे मुलाकात करा सकते हैं बोला हाँ बिल्कुल हम आपको मुलाकात करा देंगे क्यों अली रजी अल्लाह मक्के के अंदर बैठे श्रेविस्त

तो आप मगर कोई खतरा महसूस करूंगा मैं तो उसी वक्त में आप ये समझ लेना कि कोई खतरा है तो आप वहां रुक जाना और मुझे यह समझ लेना कि मैं स्तंजा के लिए बैठा हूं और जैसे मैं उठकर चलने लगू तो फिर आप लोग भी मेरे पीछे पीछे चलते रहना ठीक हजरत अली रदी अल्लाह तला ने ऐसे ही करते रहे ऐसे करते हुए रसूल मकबूल सल्लाम की पास पहुंचा दी है